तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? वो प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया पापा। तुम्हारे वो मेजर साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। रिजल्ट का क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। नालायक, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो आप कौन से प्रधानमंत्री है पापा? आपका बेटा भी फेल हो गया। पापा, आप ही तो मुझे स्कूल लेने क्यों आते हो? बाकी सबकी तो मम्मियां उन्हें लेने आती है। बस इसीलिए बेटा। अरे बेटा, इस बार तेरे 90% मार्क्स आने चाहिए कुछ भी करके। नहीं पापा, इस बार मैं पूरे 100% मार्क्स लाऊंगा। क्यों मजाक कर रहा है पप्पू? मजाक शुरू किसने किया है पापा? बेटा, अगर तू इस बार भी फेल हुआ तो मुझे बाप मत बोलना। तेरे रिजल्ट का क्या हुआ बेटा? अरे दिमाग खराब मत कर रामलाल, तूने बाप बोलने का हक खो दिया है। पापा, आपके लिए एक खुशखबरी है। पापा, वो क्या है? आपने कहा था ना कि मैं पास हो गया तो आप मुझे गाड़ी दिलवाएंगे। पापा, हाँ तो आपके पैसे बच गए गाड़ी के। बेटा, लस्सी पिएगा? नहीं पापा। बेटा, दूध पिएगा? नहीं पापा, नहीं पीऊंगा। बेटा, जूस पिएगा? पापा, मैंने कह दिया नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। बिल्कुल माँ पर गया है हरामखोर, लगता है खून ही पिएगा। बेटा, तुम इस बार पास हो ना हो, तुम्हें इस बार बाइक जरूर दिला दूंगा। थैंक यू वेरी मच पापा। हाँ बेटा, अगर पास हुए तो हीरो होंडा कॉलेज जाने के लिए, और अगर फेल हुए तो राजदूत दूध बेचने के लिए। पापा, फटाफट तैयार हो जाओ, आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तुझे किसने कहा बेटा कि तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं? पापा, कल मैंने एक लड़की छेड़ दी थी तो उसके भाइयों ने कहा था कल तुझे देख लेंगे। बेटा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है पापा। आजकल तो सबकी होती है बेटा, थोड़ा सोशल बनो। पापा, वैसे एक गर्लफ्रेंड है मेरी। हराम खोर, तभी तू फेल होता है हर बार। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, आप कभी बांग्लादेश गए हो क्या? नहीं बेटा, क्यों? तो फिर आप ये आतंकवादी आइटम कहां से ले आए? पापा, ये ले बेटा 10 रुपए, और जा बाजार से सब्जी ले आ। पापा, मुझे नहीं जाना, आजकल 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता। बेटा, एक जमाना था जब मैं 10 रुपए बाजार लेकर जाता था तो किराना, सब्जी और दूध सब ले आता था। पापा, अब जमाना बदल गया है, आजकल सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। रामखोर, तू तो अपने बाप को चोर समझता है? पापा, मैं आपको आज एक बात बताऊं? हाँ, बताओ बेटा। मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम की 5 फेक आईडी बना रखी है। हरामखोर, गधे, नालायक, तेरे पास और काम नहीं है कुछ? और तू ये सब बातें मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि पापा, आप जिस रश्मि को 2 महीने से पटाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मैं ही हूं। बेटा, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ जरा। ये लो पापा। गधे, नालायक, तुझे इतने नंबर कम क्यों आए, और तू एक विषय में फेल भी हो गया है? वो पापा, एक विषय में गैर हाजिर होने के कारण फेल हो गया। क्यों, परीक्षा के दौरान तू क्या गायब हो गया था? नहीं पापा, मेरे पास बैठा पढ़ाकू लड़का उस दिन गायब था। बेटा, हाँ
बेटा मैंने सुना है कि तुम जुआ खेलते हो। जुआ मत खेला करो, क्योंकि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो अगले दिन फिर हारोगे। ठीक है पापा, मैं समझ गया। अब मैं आपसे एक दिन छोड़कर जुआ खेलूंगा। पापा पापा, क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ बेटा। किससे पापा? बेवकूफ, तेरी माँ से। हेलो। वाह पापा, आपने तो घर में ही सेटिंग कर ली। पापा आपकी लव मैरिज हुई थी ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? क्योंकि पापा आपकी शादी और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 6 महीने का अंतर है। पापा अभी मैंने भी शादी करनी है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये तो बताओ वो खुशनसीब लड़की है कौन? पापा वो लड़की है मेरी दादी। नहीं बेटा, आप उससे शादी नहीं कर सकते, वो मेरी माँ है। तो फिर आपने मेरी माँ से क्यों शादी की? वो भी तो मेरी माँ है। बेटा जरा अपना फोन देना तो। 2 मिनट पापा, अभी ऑन करके दे देता हूँ। डिलीट व्हाट्सएप मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स एंड जीएफ मैसेजेस। ये लो पापा, ये ले बेटा, बस मुझे तो सिर्फ टाइम देखना था। बेटा अगर मैं तुम्हें मारूं तो तुम अपना गुस्सा कैसे काबू में करोगे? पापा मैं टॉयलेट साफ करूंगा, इससे तुम्हारा गुस्सा कैसे कम होगा बेटा? पापा वो मैं टॉयलेट आपके टूथब्रश से साफ करूंगा ना। बेटा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ आज का? वो पापा बस पहला सवाल छूट गया। अच्छा बेटा और बाकी के सवाल? वो पापा तीसरा मुझे आता नहीं, चौथा मैं करना भूल गया, पांचवा मुझे नजर ही नहीं आया, और छठा प्रश्न पेपर के पिछली तरफ था तो मैंने उसे देखा ही नहीं। हरामखोर। और दूसरा? बस पापा सिर्फ वही गलत हुआ है।